वैसे तो परिवहन विभाग लगातार बजट का रोना रोता रहता है, लेकिन इस बार परिवहन विभाग करोड़पति बना हुआ है। देहरादून के परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा की माने तो जो टारगेट परिवहन विभाग को दिया गया था उसको मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक की बात करें तो अभी भी पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा तक टारगेट परिवहन विभाग पूरा कर चुका है। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले साल 361 करोड़ का रेवेन्यू था जो हमने अक्टूबर में प्राप्त कर लिया था। इस साल का रेवेन्यू अभी तक 441 करोड़ तक पहुंच गया है जो कि 14% अधिक है। पिछले महीने में 70 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था और इस बार भी 65 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू देहरादून शहर से इकट्ठा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार का रेवेन्यू टारगेट 250 करोड़ रुपए का था, लेकिन अभी तक 280 करोड़ का रेवेन्यू ले चुके हैं जो कि 14% अधिक है, और जो बड़े बकायेदार हैं उनसे भी वसूली की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, हमारे देहरादून संभाग के अंदर जो हमारा रेवेन्यू पिछले साल था वो मात्र 361 करोड़ था जो वो हमने अक्टूबर तक इकट्ठा किया था, बट अब इस साल तक हम 441 करोड़ पर पहुंच चुके हैं जो कि लगभग 14% अधिक है। पिछले माह में भी हमारे द्वारा रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था जो 70 करोड़ के लगभग था, और इस माह में भी हमारी आशा है कि हम 65 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ देहरादून शहर में कर लेंगे। देहरादून का जो हमारा टारगेट है वो लगभग 250 करोड़ का है, जिसके सापेक्ष हम 280 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू ले चुके हैं जो कि लगभग 14% से भी अधिक है, और हमारी आशा है कि आने वाले 3 महीनों में भी जो हमें टारगेट दिए गए हैं वो हम अचीव कर लेंगे। साथ में जो बड़े बकायेदार हैं उनसे वसूली की प्रक्रिया चल रही है, उनको ना सिर्फ आरसी काटी गई है उनके विरुद्ध बल्कि इन्फोर्समेंट भी किया गया है, साथ में नोटिस उनके घर पर चस्पा कराए जा रहे हैं जिससे कि हमारा जो बकाए का राजस्व है वो भी काफी अच्छी संख्या में आ रहा है, और उम्मीद है कि हम टारगेट से ऊपर निकल जाएंगे मार्च तक।